हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बायविट चैनल। लास्ट क्लास में हमने देखा था जो साइकस प्लांट है उसका बेसिक्स देख लिया था, उसके अंदर रूट, स्टेम और जो लीव्स थी इनकी इंटरनल स्ट्रक्चर देख ली थी। आज हम देखेंगे साइकस जो प्लांट है उसके अंदर फर्टिलाइजेशन या जो रिप्रोडक्शन है वो किस टाइप से होता है। तो रिप्रोडक्शन की अगर बात करें तो रिप्रोडक्शन दो टाइप से होता है, एक तो होता है वेजिटेटिव टाइप का, एक दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो जो वेजिटेटिव जो रिप्रोडक्शन होता है वो होता है एडवेंटिट्यूज बर्ड्स जो होती हैं या फिर बलबल्स जो होता है उनके द्वारा होता है। और ये जो बलबल्स या बर्ड्स जो होती हैं, जो स्टेम होता है उसके बेस पे, बेस जो होता है उसके वहां पर बनते हैं ये। तो वेजिटेटिव जो रिप्रोडक्शन है ये इतना एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। तो दूसरा देखो, जो सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन है वो किस टाइप से होता है। तो जो साइकस का प्लांट है वो डायोसियस होता है, यानी कि इसमें मेल मेल प्लांट जो है वो अलग है और जो फीमेल प्लांट है वो अलग है। तो फीमेल प्लांट के ऊपर बनेगा मेल प्लांट के ऊपर तो बनेगा मेल कौन, फीमेल प्लांट के ऊपर बनेगा फीमेल कौन। तो इस टाइप जो डिफरेंट डिफरेंट प्रेजेंट है, और डिफरेंट डिफरेंट ही क्या होंगे, मेल प्लांट के ऊपर मेल सेक्स ऑर्गन होंगे, फीमेल प्लांट के ऊपर फीमेल सेक्स ऑर्गन होंगे। तो इसको बोल देते हैं डायोसियस टाइप का प्लांट है। फिर देखो साइकस जो है ये हेट्रोथेलिक प्लांट होता है। हेट्रोथेलिक किसको बोलते हैं कि इसके अंदर दो टाइप के स्पोर बनते हैं, माइक्रो स्पोर भी बनेंगे और मेगा स्पोर भी बनेंगे। जो माइक्रो स्पोर होते हैं वो मेल गैमेटोफाइट की तरह काम करते हैं और जो मेगा स्पोर होंगे वो फीमेल गैमेटोफाइट का काम करेंगे। तो इसको बोल देते हैं हेट्रोथेलिक प्लांट है साइकस है। फिर देखें मेल स्ट्रोबिलस या मेल कोन जो है वो, उसकी स्ट्रक्चर देखें पहले। तो जो मेल कोन बनता है वो बनता है सूट होगा यानी स्टेम, स्टेम के अपेक्स के ऊपर। जब देखा था जो फोलिएज लीव जो होती है, स्केली लीव जो होती हैं वो साइकस स्टेम के अपेक्स के ऊपर प्रेजेंट रहती हैं। तो यहाँ पे सूट एपिकल मेरिस्टेम होगा, यहाँ पर ऊपर ही ऊपर वाला जो पार्ट होगा उसमें फोलिएज लीव्स का के अंदर की साइड में एक कोन प्रेजेंट होगा, मेल कोन भी होगा मेल प्लांट के अंदर। इसी टाइप से फीमेल जो प्लांट होगा उसके अंदर फीमेल कोन प्रेजेंट होगा। तो देखो ये फीमेल को, ये मेल कोन है, मेल प्लांट है ये, और हम देख रहे हैं मेल स्ट्रोबिलस, मेल स्ट्रोबिलस को बोल देते हैं मेल कोन। तो डेवलपमेंट होगा इसका मेल कोन का स्टेम की अपेक्स के ऊपर वो भी, और इसके चारों ओर में प्रेजेंट रहेंगी फोलिएज टाइप की लीव्स। फिर देखो ये हो गया डेवलपमेंट एट द अपेक्स ऑफ स्टेम इन बिटवीन द क्राउन ऑफ द फोलिएज लीव्स। अब देखो जो मेल कोन होता है वो कैसा होता है, शॉर्टली होता है, स्टाक्ड होता है, कॉम्पैक्ट है और वुडी स्ट्रक्चर होती है इसकी। फिर देखो जो 40 से 80 सेंटीमीटर लगभग इसकी लेंथ होती है। और प्लांट किंगडम के अंदर देखें तो सबसे बड़ा मेल कोन जो होता है वो साइकस का ही मेल कोन होता है साइकस प्लांट के अंदर। ये हो गया लार्जेस्ट अमंग द प्लांट किंगडम। फिर देखो अब बात करें, हमने ये मेल कोन देख लिया, ये देखो इसके चारों ओर क्या प्रेजेंट है, माइक्रो स्पोरोफिल। तो माइक्रो स्पोरोफिल जो है वो स्पायरली अरेंज्ड रहती है यहाँ पर। अब इसकी स्ट्रक्चर देखें तो माइक्रोस्पोरोफिल जो है वुडी टाइप की है और ट्राई एंगुलर है। इस देखो इसमें क्या क्या देखने को मिलेगा, अब ट्राई एंगुलर कैसे, एक ये पार्ट हो गया, दूसरा पार्ट ये हो गया और तीसरा वाला ये। तो इसका अपर वाला जो पार्ट होता है माइक्रोस्पोरोफिल का उसको अपन बोलते हैं एपोफाइसिस। अब देखो माइक्रो स्पोरोफिल जो होगी इसकी डोर्सल साइड होगी और एक वेंट्रल साइड होगी। अपर वाली साइड जो होती है वो स्टराइल होती है और जो लोअर वाली साइड होती है वो फर्टाइल होती है। लोअर साइड फर्टाइल कैसे होती है कि जो माइक्रो स्पोरोफिल है उसके जो लोअर साइड होंगी उस पर स्पोरेंजिया प्रेजेंट होंगी, माइक्रो स्पोरेंजिया प्रेजेंट होंगी। तो उसके अंदर माइक्रो स्पोरेंजिया के अंदर बनेंगे माइक्रो स्पोर। तो माइक्रो स्पोर जब बनेंगे तो लोअर वाली पार्ट क्या हो गया, फर्टाइल। और इसके अंदर क्या होगा कि जो लीव्स हैं इसकी लोअर वाली साइड के ऊपर लगभग 700 से 1000 माइक्रोस्पोरेंजिया जो होती हैं अरेंज रहती हैं। तो इसकी स्ट्रक्चर को क्या बोल देते हैं, इस अरेंजमेंट को बोलते हैं अपन सोरी या सोराई, यानी कि काफी सारी लगभग 700 से 1000 माइक्रोस्पोरेंजिया जो है माइक्रोस्पोरोफिल के लोअर साइड में प्रेजेंट है। तो इसको, इस ग्रुप को क्या बोलते हैं, सोरी। और सोरस क्या होता है, लगभग 3 से 6 माइक्रोस्पोरेंजिया जो होती हैं वो एक ग्रुप में प्रेजेंट रहती हैं। इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं सोरस।
सोराई समझ आया, और सोरस दोनों ही डिफरेंट डिफरेंट है। सोरी जो सोराई जो है ये तो एक ग्रुप होता है बहुत बड़ा जिसमें 700 से 1000 माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट रहती हैं, और जो सोरस है इसके अंदर 3 से 6 माइक्रोस्पोरेंजिया पाई जाती हैं। अब देखेंगे कि जो माइक्रोस्पोरोफिल है इसके ऊपर माइक्रोस्पोरेंजिया बनी है लोअर साइड के अंदर, तो इन माइक्रोस्पोरेंजिया का डेवलपमेंट किस टाइप से होता है वो देखेंगे। अब देखते हैं कि जो माइक्रोस्पोरेंजियम थी जो माइक्रोस्पोरोफिल के लोअर साइड में लगी बनी हुई थी स्टाक थी, इनका जो डेवलपमेंट है वो किस टाइप से हुआ था वो देख लेते हैं। जो माइक्रोस्पोरोफिल थी, मान लेते हैं ये माइक्रोस्पोरोफिल है तो इसकी अपर साइड होगी और लोअर साइड, तो लोअर साइड जो थी अपर साइड तो स्टेराइल थी, लोअर साइड क्या है फर्टाइल, तो फर्टाइल के अंदर क्या होगा कि इसकी कुछ सेल्स जो होती हैं लोअर वाली साइड की माइक्रोस्पोरोफिल की वो स्पोरेंजियल इनिशिएशन का काम करने लग जाती हैं, तो फिर क्या होगा कुछ सेल्स माइक्रोस्पोरेंजियल इनिशियल की तरह काम करेंगी, तो इसके अंदर पेरिक्लिनल डिवीजन होगा जिससे क्या होता है कि आउटर साइड में प्राइमरी वॉल सेल बन जाएगी और अंदर की साइड में प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स बनेंगी, फिर वापस से डिवीजन होगा प्राइमरी वेल्स जो वॉल सेल हैं इसके अंदर 4 से 5 डिवीजन होंगे तो लगभग 3 से 4 लेयर बन जाएंगी सेल की, ये सेल की लेयर होगी, और अंदर की साइड में जो प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल थी ये भी डिवाइड होंगी तो ये बना लेगी स्पोरोजिनस टिश्यू। अब क्या होगा कि ये स्पोरोजिनस जो टिश्यू होगा ये अपना साइज, इसकी जो सेल होंगी वो साइज में इंक्रीज करेंगी, साइज बढ़ाएंगे अपना, तो इनको बोल देते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल, और जो आउटर लेयर है ये इसके एक वॉल का काम कर रही है, तो इसके जस्ट नीचे वाली जो लेयर होती है माइक्रोस्पोर मदर सेल के बाहर वाली जो लेयर है इसको बोलते हैं टैपिटम। इसके अलावा और भी सारी लेयर पाई जा रही हैं जो इसको प्रोटेक्शन करने का काम कर रही हैं। अब टैपिटम क्या होगी, जैसे जब ये माइक्रोस्पोर मदर सेल जो है ये डिप्लोइड नेचर की है, इसमें होगा मियोसिस डिवीजन, मियोसिस डिवीजन जब होगा तो एक सेल से 4 सेल बनेंगी और इनको अपन बोल देते हैं माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर का नेचर इसमें होगा मियोसिस डिवीजन, मियोसिस डिवीजन जब होगा तो एक सेल से 4 सेल बनेंगी और इनको अपन बोल देते हैं माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर का नेचर क्या हुआ, मियोसिस डिवीजन हुआ, रिडक्शनल डिवीजन है तो स्पोर जो होंगे माइक्रोस्पोर इनका नेचर होगा हैप्लोइड। तो इसके बाहर की जो लेयर पाई जा रही है माइक्रोस्पोर के बाहर की जो लेयर है टैपिटम, ये जब डेवलपमेंट हो रहा था माइक्रोस्पोर का तो उस टाइम पर ये नरिशमेंट प्रोवाइड करवा के जाती है टैपिटम लेयर। अब देखो माइक्रोस्पोर बन गए, अब ये माइक्रोस्पोर जो हैं इनका ही दूसरा नाम इनको ही क्या बोल देते हैं पोलन ग्रेन। ये पोलन ग्रेन जाएंगे जो मेगास्पोर होगा या फिर जो फीमेल गैमेटोफाइट होगा उसके पास में जाएंगे, वहां पर ओव्यूल होगा उसमें आर्चिगोनियम होंगी, वहां पर फर्टिलाइजेशन होगा वो सभी देखेंगे अपन। तो माइक्रोस्पोर जो है वो पोलन, उसको पोलन ग्रेन बोलते हैं, इसका जो नेचर है वो हैप्लोइड होता है और स्ट्रक्चर देखें तो ये ग्लोबुलर होती है, यूनिन्यूक्लिएटेड होती है। ये सब हो गया कि माइक्रोस्पोर जो है ये माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर माइक्रोस्पोर जो है इनका डेवलपमेंट किस टाइप से हुआ। अब देखो जब माइक्रोस्पोर बन गए तो एक कंडीशन आएगी जिसमें डेहिसेंस होगा माइक्रोस्पोरेंजियम का और ये जो माइक्रोस्पोर होंगे ये बाहर निकलेंगे, पोलन ग्रेन बाहर निकल जाएंगे। अब हम देखेंगे जो फीमेल जो कोन है उसकी स्ट्रक्चर, उसमें फीमेल जो गैमेटोफाइट है उसका डेवलपमेंट किस टाइम से होता है, किस टाइप से होता है। आप देखें कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होती है वो क्या होती है कि जब मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर की अगर बात कर रहे थे कि उसके मेल कौन प्रेजेंट था उसके अंदर, वो कौन से प्लांट में था, मेल प्लांट के अंदर मेल कौन प्रेजेंट रहता है, फीमेल जो प्लांट होगा उसके अंदर फीमेल कौन बनेगा, तो मेल प्लांट के अंदर तो मेल कौन प्रेजेंट था मेल प्लांट में, बट जो फीमेल प्लांट है साइकस का उसमें जो फीमेल कोन बनना चाहिए तो फीमेल जो कोन है वो एब्सेंट रहता है, यानी क्या प्रेजेंट रहेंगी, केवल मेगा स्पोरोफिल ही प्रेजेंट रहेंगी। मेगा स्पोरोफिल जो है वो लूजली अरेंज रहती हैं, वो किसी भी कोन का फॉर्मेशन नहीं करती। तो देखो मेगा स्पोरो जो फिल हैं आर नॉट ऑर्गेनाइज्ड इनटू कोन, और मेनली क्या होता है, ये याद रखने वाली बात है कि इसके अंदर जो फीमेल कोन होता है साइकस प्लांट के अंदर वो एब्सेंट रहता है, केवल मेगा स्पोरोफिल ही प्रेजेंट रहती हैं। तो देखो मेगा स्पोरोफिल जो हैं किस टाइप से कंसिडर की जाती हैं कि जो मेगा स्पोरोफिल हैं वो एक टाइप से जो फोलियज लीव्स होती हैं वही होती हैं ये,
ओव्यूल जो होता है, ओव्यूल का डेवलपमेंट किस टाइप से होता है कि लेटरल साइड जो होता है स्टाल का, उसके लेटरल साइड में ओव्यूल का डेवलपमेंट होता है। और जो ओव्यूल होता है वो अलग अलग जो स्पीसीज होती हैं साइकस प्लांट के, अलग अलग स्पीसीज के अंदर वेरी कर सकता है, किसी के अंदर 2 पाए जाते हैं, किसी के अंदर 5, किसी के अंदर 10, तो एक ग्रुप में अलग अलग वेरी कर सकते हैं ओव्यूल का जो नंबर है वो कितना पाया जाएगा। ये हो गया फीमेल, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होगी वो ओव्यूल। तो देखो जो माइक्रोस्पोर जो बना था इसी को बोला था पोलन ग्रेन, और ये पोलन ग्रेन ये जो है ये मेल गैमेटोफाइट की तरह काम करेगा, यानी कि इससे मेल गैमेट बनेंगे। बट ये जो फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो इसके अंदर तो फीमेल जो कौन है वो तो एब्सेंट है, जो ओव्यूल है ओव्यूल इससे आगे चल करके इसे क्या बनाएगा, फीमेल गैमेटोफाइट बनाएगा। जब फीमेल गैमेटोफाइट बनेगा तो उससे फीमेल गैमेट बनेंगे, ये फीमेल गैमेट और मेल गैमेट फर्टिलाइजेशन करेंगे, फर्टिलाइजेशन जायगोट बनेगा, ये जर्मिनेट करेगा, जायगोट के जर्मिनेशन से क्या बनेगा, सीड बनेगा, और इस टाइप से एक नया प्लांट जो है उसका डेवलपमेंट हो जाएगा। अब हम आगे देखेंगे जो फीमेल गैमेटोफाइट है या ओव्यूल जो है उसका डेवलपमेंट किस टाइप से हो रहा था। ठीक है, ये क्लियर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।